नमस्कार, खबर समेत स्वागत में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल भेल जन सेवा समिति द्वारा भेल दशहरा मैदान में भोजपाल महोत्सव मेला लगाया गया। इस महोत्सव की खासियत यह है कि इसमें राजा भोज के समय से अब तक भोपाल की प्राचीन धरोहरों के बारे में जानकारी दी गई है, जबकि खानपान के स्टॉल व बच्चों के झूले भी लगाए गए हैं। यह झूले आकर्षण का केंद्र है। समिति अध्यक्ष सुनील यादव ने समय जगह से चर्चा में बताया कि इस बार मेले में मुख्य आकर्षण का केंद्र यहां का विशाल प्रवेश द्वार और सेल्फी प्वाइंट है। मेले के प्रवेश द्वार पर 220 ऊंचे गेट के अलावा 3 और गेटों से एंट्री की व्यवस्था की गई है। यहाँ सेल्फी के लिए ज्योतिर्लिंग और अन्य सेल्फी प्वाइंट मुख्य आकर्षण का केंद्र है। इतना ही नहीं, बच्चों बुजुर्गों और युवाओं द्वारा इधर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी जाएगी। भोपाल महोत्सव मेला हर वर्ष की तरह इस बार भी अपने नियत तिथि पर 28 नवंबर से प्रारंभ होकर 1 जनवरी 2023 तक आयोजित हो रहा है। हम लोग हर बार प्रयास ये करते हैं कि शहरवासियों को कुछ नई चीजें दें, तो मेले में आया तो उनको लगे कि कुछ चेंजेस आया। इसी के उसमें हमने भव्य एक स्वागत द्वार बनाया 220 स्क्वायर फीट का। उसके साथ में हमारे पास भव्य सांस्कृतिक मंच बना हुआ है, जिसमें प्रतिदिन मध्य प्रदेश के बाहर के कलाकार प्रतिदिन आकर अपनी कला की प्रस्तुति देते हैं। साथ में ही हमने बच्चों के मनोरंजन के लिए जैमिनी सर्कस का भी इस बार भोपाल लाए हैं, जिसमें बच्चों को काफ़ी अच्छा रुझान मिल रहा है हमें। उसके साथ ही बुलेट महासेल लगी हुई है, जिसमें लोग खरीदारी कर रहे हैं, और विभिन्न प्रकार के स्टॉल हमारे यहाँ पे लगाए गए हैं, जिसमें ऑटोमोबाइल सेक्टर है, फूड के हैं, फर्नीचर के हैं, कपड़ों के हैं, और भी डेकोरेटिव आइटम के बहुत सारे स्टॉल मेले में लगाए हैं, और विभिन्न प्रकार के झूले लगाए गए, जिसमें बच्चों का बड़ा आकर्षण का केंद्र बने हुए झूले। जो बड़े बड़े झूले जो यहाँ पे लगाए गए हैं, लोग अपने परिवार के साथ आकर इस भोजपाल महोत्सव मेले में मनोरंजन भी कर रहे हैं और अपने बच्चों को घुमाने फिरने का भी एक मौका मिल रहा है इस भोजपाल महोत्सव मेले में। यहाँ पे पिछले रविवार को हमसा रियाज सूफी सिंगर है, वो आए थे। कल हमारे यहाँ पे जी टी वी पर आयोजित सारे गामा पर सेकंड रनअप शरद शर्मा कल आ रहे हैं शाम को प्रस्तुति देने, और आने वाले दिनों में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन, उसके बाद मुशायरा भी रखा गया हमारे यहाँ पे, और विभिन्न बॉलीवुड के जो कलाकार हैं, जो सिंगर हैं, हमारे यहाँ पे आके अपनी प्रस्तुतियाँ देंगे। खबर समय जगत के लिए कैमरामैन शिवम कुशवाहा के साथ आदित्य सराठे की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।